आज हमारे पास आई है नॉइज़ के लेटेस्ट लॉन्च स्मार्ट वॉच नॉइज़ ओरिजिन। ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स लोडेड मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर ही स्मार्ट वॉच की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके जितने भी फीचर्स हैं उनका एक इनडेप्थ रिव्यू होने वाला है। सुब्रणा आई वेस के लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। जिस तरह से हमें वॉच का बॉक्स मिलता है, यहाँ पर वॉच की पिक्चर बनी हुई, नीचे लिखा है ओरिजिन, बैक साइड में वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से एक बार बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले तो कुछ इस तरह से हमें एक कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर स्मार्ट वॉच रखी हुई है। इसको एक बार साइड में रखते हैं, बॉक्स की दूसरी एक्सेसरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉइज़ के कुछ स्टिकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद एक वारंटी रजिस्ट्रेशन का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है एंड साथ ही में एक यूजर मैनुअल भी हमें मिल जाती है, जो कि आपको पढ़ने की नीड नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो। चार्जिंग के लिए कुछ इस तरह से हमें एक चार्जिंग केबल यहाँ पर मिल जाती है। फाइनली ये है हमारी नॉइज़ ओरिजिन स्मार्ट वॉच। ये वॉच जो है मेरे पास यहाँ पर ब्लैक वाले वेरियंट में प्रेजेंट है। अगर आप इसे दूसरे कलर्स में परचेज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। इसमें काफी सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली इन्हें परचेज कर सकते हो। वॉच के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर वॉच मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। सामने की तरफ हमें यहाँ पर 1.46 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एंड स्मार्ट वॉच पूरी यहाँ पर मेटालिक फिनिश के साथ में आती है। इसके राइट साइड में आपको इस तरफ दो बटन्स मिल जाएंगे। एक तो क्राउन वाला बटन है जो मेन फंक्शन बटन की तरह एक्ट करता है एंड नीचे वाला जो बटन है यहाँ पर आप वर्कआउट मोड का एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो एंड इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप ऑडियो वगैरह का आउटपुट ले सकते हो एंड बैक साइड में यहाँ पर आपको जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह वाले सेंसर्स हैं वो सब मिल जाएंगे एंड राइट साइड में ही यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोफोन भी प्रेजेंट है जिसको आप ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब इसके जरा अगर स्ट्रैप्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी। काफी सॉफ्ट स्ट्रैप यहाँ पर प्रेजेंट है, कभी भी स्क्रीन पर इरिटेशन वगैरह नहीं करेगा एंड ज्यादा प्लास्टिक की फील नहीं है इसके स्ट्रैप के अंदर, जो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। तो वॉच का मैंने अभी पावर ऑन कर लिया। कुछ इस तरह से हमें इसकी जो मेन मेन्यू है वो मिलती है। सबसे पहले अगर मैं वॉच की यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। मैंने इसे सनलाइट में भी यूज़ किया एंड उसके अंदर भी इसकी जो ब्राइटनेस थी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। मुझे इसमें विजिबिलिटी में भी ऐसा कोई भी इश्यूज़ नहीं देखने के लिए मिले एंड इसकी जो डिस्प्ले क्लैरिटी भी है वो भी काफ़ी बढ़िया, बिकॉज इसके अंदर आपको जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें आपको कभी भी पिक्सलेशन वगैरह का इशू नहीं आएगा जब इसे आप क्लोजली देखोगे तब भी। वॉच की मेन्यू को एक बार देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे स्वाइप डाउन करूँगा तो मुझे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर स्वाइप अप करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ब्राइटनेस का फीचर है, उसके बाद यहाँ पर रिस्ट सेंस का फीचर मिल जाएगा। रेस टू वेक को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। साइड में यहाँ पर बैटरी सेवर मोड का ऑप्शन है, यहाँ से अपने फोन को फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर एक फ्लैशलाइट का भी ऑप्शन मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। नीचे यहाँ पर DND का ऑप्शन है, इसे मैं टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकता हूँ। साइड में यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर हम पासवर्ड को लगा सकते हैं एंड यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो एक बार फटाफट से सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले हमें ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है जिसको आप यहाँ से डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो एंड यही सब चीज़ें जो है आप इस क्राउन के थ्रू भी कर सकते हो। इसको आप जैसे नीचे की तरफ करोगे डाउन जाएगा, ऐसे आप ऊपर करोगे ये आप होता रहेगा। एंड पर्सनली मुझे इस वॉच के अंदर जो एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी वो है इसकी वाइब्रेशन। मैंने आज तक काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू किया लेकिन इसके अंदर जो वाइब्रेशन मोटर है उसकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके ओवरऑल हैप्टिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए पर्सनली। नीचे यहाँ पर हमें रिंगटोन वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं इसे टैप करूँगा तो यहाँ वॉल्यूम, वाइब्रेशन एंड साइलेंट मोड तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। वॉल्यूम को मैं यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इसे डिक्रीज करूँगा या फुल कर देता हूँ तो इस तरह से हमें इसकी जो रिंगटोन है या फिर आप कह सकते हो जो वॉल्यूम है वो मिलती है। नीचे की तरफ रिस्ट वेक का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। जेस्चर ऑपरेशन का एक यहाँ पर फीचर है जिसके अंदर आप इसे टैप टू वेकअप को ऑन या ऑफ कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे ऑन कर देता हूँ, यानी कि जब भी आपकी स्क्रीन यहाँ पर ऑफ हो गया आप उसे ऐसे डबल टैप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। एंड कवर टू स्लीप का भी ऑप्शन है, जैसे ही आप इसे कवर करोगे ऊपर से तो ये स्लीप मोड में चली जाएगी। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर हमें इसमें काफी सारे डायल्स मिल जाते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पर ऑन करूंगा तो मुझे जितने भी डायल्स हैं वो सभी मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से हमें इसके जितने भी डायल्स हैं AOD के अंदर वो सब मिलते हैं। कोई भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, सभी इसमें काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाला सेट कर देता हूँ। आफ्टर दैट मेन्यू व्यू एक ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से हम कोई भी मेन्यू को सेट कर सकते हैं। इस बार जो स्मार्ट वॉच की UI है वो भी चेंज है। इसके अंदर आपको अब जो नेब्यूला UI है वो मिलती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। पीछे एक जो ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है हर मेन्यू के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। नीचे ऑटो स्पॉट डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउन बटन को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे सिंगल टैप के लिए तो यहाँ पर वर्कआउट्स के लिए यूज होगा या फिर आप कोई यहाँ से भी चूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस का भी एक ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर भी आप कोई भी जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ अलार्म का ऑप्शन सेट कर देता हूँ तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर प्रेस करके रखूंगा तो अलार्म वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। इस मेन बटन को एक बार मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो मेन मेन्यू हमारी खुल जाएगी। जैसे मैं इसे ऐसे रोटेट करूंगा तो यहाँ पर पूरी मेन्यू को आप स्क्रॉल कर सकते हो। सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन हमें मिलता है जिसके अंदर जितनी भी आपने पूरे दिन में स्टेप्स वगैरह चले, जितनी आपकी कैलोरीज हैं वो सभी नोट हो जाएंगी इसके अंदर। आफ्टर दैट वर्कआउट्स का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपको काफी सारे वर्कआउट्स मोड मिलते हैं एंड ये मोड जो है आप इस बटन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। स्ट्रेस
लेवल को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का ऑप्शन इसके अंदर प्रेजेंट है। हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन एंड स्लीप मेजरिंग का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। मैंने पर्सनली यहाँ पर हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन को मेजर किया था एंड इसकी मैं एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो मुझे काफी एक्यूरेट लगे। तो इस वॉच की जो स्पोर्ट्स एक्यूरेसी है वो मुझे काफी सही लगी। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है इसको आप ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ हमें अलार्म, टाइमर एंड स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में इसमें वर्ल्ड क्लॉक भी प्रेजेंट है जो आप एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। नीचे पोमोडोरो टाइमर का भी एक ऑप्शन है जो आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो। वेदर को एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल हम कर सकते हैं। म्यूजिक हम इसमें सेट कर सकते हैं। नीचे कैलकुलेटर का ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो कैलकुलेटर की यूआई हमें कुछ इस तरह से मिलती है। तो इस तरह से हमें इस वॉच के जितने भी मेन मेन्यू फीचर्स हैं वो सब मिलते हैं। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर एओडी जो है वो सेट हो चुकी है, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से हमें मिलती है। एंड जब मैं इसे ऐसे डबल टैप करूंगा तो यहाँ पर वॉच के डिस्प्ले जो है वो भी टर्न ऑन हो जाएगी, बिकॉज मैंने वो फीचर ऑन कर दिया था सेटिंग्स के अंदर। अब मुझे अगर यहाँ पर जो वर्कआउट मोड है उसे ऑन करना है तो मैं इस बटन को ऐसे एक बार प्रेस करूंगा तो वर्कआउट मोड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो जो मैंने अलार्म्स वाला फीचर सेट किया था वो यहाँ पर टर्न ऑन हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हो इस तरह से जो अलार्म्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। इस वॉच के अंदर EN1 प्रोसेसर का यूज किया गया जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट है। आपने देखा होगा कि जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर कोई भी मुझे लैग वगैरह नहीं मिल रहा है। एंड इनफैक्ट इसकी जो UI है काफी ज्यादा स्मूथ लग रही है मुझे, इसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो इस वॉच का जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है मेरे एंड से वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी फटाफट से इस वॉच को एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करके उसका एक ओवरव्यू भी देख लेते हैं। अभी मैंने स्मार्ट वॉच को एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट कर लिया एंड कुछ इस तरह से हमें इसका होम पेज मिलता है। यहाँ पर हमारा हेल्थ ओवरव्यू मिल जाएगा, हमें जितने भी स्टेप्स या डिस्टेंस हमने जितना भी कवर किया है वो सब ऊपर है। नीचे की तरफ आपके जितने भी मेन मोड्स होते हैं लाइक हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, इन सभी का डेटा मिल जाएगा। एंड साथ ही में अगर आप इनको डिटेल में चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके कुछ इस तरह से इनकी जो प्रीवियस एनालिटिक्स भी हैं वो भी काउंट कर सकते हो। अभी जरा वॉच फेसेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरीज भी बनी मिलती हैं, जैसे न्यू के अंदर आप नए वॉच फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर हम ट्रेंडिंग में जाते हैं तो ट्रेंडिंग वॉच फेसेस जितने वो सभी हमें मिल जाएंगे। तो वॉचेस की गैलरी काफी ज्यादा बड़ी है, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड साथ ही में यहाँ पर हमें क्रिएट योर ओन वॉच फेस का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसमें भी आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं। अभी जरा वॉच की सेटिंग्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नॉइज ओरिजिन, इधर हमें वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, ऐप नोटिफिकेशन, SMS अलर्ट और माय रिमाइंडर्स, इनमें से मैं कोई भी सेट कर सकता हूँ। ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग या कॉल अलर्ट दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। हेल्थ मॉनिटर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं इन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही में ये एनेबल भी हो सकते हैं वॉच के अंदर इसी के थ्रू। अलार्म्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे गूगल फिट का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। साथ ही में हमें कॉन्टैक्ट सेविंग का भी एक ऑप्शन मिलता है, इसमें आप अप टू 10 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो एंड उन्हें डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच के थ्रू। SOS का एक ऑप्शन है, इसके अंदर भी आप कोई एक कॉन्टैक्ट जो है उसे ऐड कर सकते हो एंड जब भी आप SOS वाला बटन इसमें प्रेस करोगे तो डायरेक्टली कॉल या फिर कोई जो मैसेज है वो चला जाएगा उन्हें। नीचे क्विक रिप्लाई का एक ऑप्शन है जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके अंदर आपको 5 क्विक रिप्लाईज मिलते हैं, इसमें आप कोई दूसरा रिप्लाई भी ऐड कर सकते हो। नीचे वर्ल्ड क्लॉक का भी एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप कोई भी 5 टाइम जोन जो है उन्हें सेट करके रख सकते हो। सपोज मैं अभी यहाँ पर एड क्लॉक पे जाता हूँ एंड इधर मैं न्यूयॉर्क का जो टाइम जोन है वो उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये टाइम जोन अभी मेरी वॉच के अंदर आ जाएगा। आपको भी यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इस मेन्यू को ऐसे ओपन करूंगा एंड नीचे की तरफ जाऊंगा यहाँ पर मुझे मिलता है वर्ल्ड क्लॉक। जैसे मैं वर्ल्ड क्लॉक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर न्यूयॉर्क का टाइम जोन जो है वो आ चुका है। इसे आप यहाँ पर इजिली एक्सेस कर सकते हो कभी भी। तो जिस तरह से इसके एप्लीकेशन के जितने भी फीचर्स हैं उन सबका ओवरव्यू हमें मिल जाता है। इस वॉच की बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लगभग 6 से 7 दिनों की बैटरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का ज्यादा यूज करते हो या फिर हार्ट रेट डिटेक्शन वाले फीचर्स का ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है कि बैटरी लाइफ 4 से 5 दिनों तक रहे। तो अभी जरा बात करते हैं कि क्या स्मार्ट वॉच आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। तो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, हालांकि मैंने काफी सारी स्मार्ट वॉचेस अब तक यूज की हैं, बट अब तक का सबसे स्मूदेस्ट और सबसे अच्छा UI मुझे अगर किसी वॉच का लगा तो ये वाली वॉच है। एंड इसकी जो ओवरऑल डिस्प्ले भी है आप देख सकते हो, अगर इसे मैं टिल्ट भी करता हूं वैसे तो इसके व्यूइंग एंगल्स काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप इसे इस तरह से साइडवेज से भी देखते हो तो पूरी क्लियर यहाँ पर वॉच की डिस्प्ले दिखती है। तो इसमें आपको डिस्प्ले में कोई इशू नहीं मिलने वाला, डिस्प्ले बहुत ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसमें आपको हाथ में उठाओगे तो आपको फील होगा। वाइब्रेशन का मैंने आपको बताया कि इसके हैप्टिक्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे मुझे एंड इसकी हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन की जो रीडिंग्स हैं वो भी ओवरऑल मुझे काफी एक्यूरेट लगी। तो मुझे लगता है जिस प्राइस रेंज में वॉच अभी मिल रही है वो काफी ज्यादा एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली खरीद सकते हो। अगर आप इस वॉच को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा उसके थ्रू आप डायरेक्टली उसे बाय कर सकते हो। उस लिंक के थ्रू आप जितने दूसरे इसके वेरिएंट्स हैं उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आपको लेदर स्ट्रैप वाला वेरिएंट भी मिलता है, एक बटरफ्लाई स्ट्रैप वाला वेरिएंट भी है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वॉच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए इस रिव्यू में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सेफ फ्रेंड्स के साथ में एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।